मम्मी स्टार्ट करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, सबा के जहां में स्वागत है सबका। हाँ, तो आज हम मम्मी बना रही है खड़े मसाले का चिकन। तो चिकन आपने बना अभी रहे क्या हैं। लिया मम्मी? तेल गरम हो गया, अब ये डालना है अच्छा सारी खड़े मसाले, अच्छा सारे डाल देंगे, ठीक है। ये सारे गरम मसाले हो अच्छा, प्याज बाद में डलेगी? अभी डालेंगे। अच्छा ठीक है। डालना क्या? तो ये कितनी प्याज है? ये 1 गिठान, मतलब ये 12 गिठान है, 12 गिठान। 2 किलो में। हाँ, अच्छा 12 गिठान। 1 किलो में सिख? हाँ, ऐसे ऐसे बनाओ मसाले का तो उसमें 4 गिठान लगती है, ये खड़े मसाले के बनाओ तो ज्यादा प्याज लगती है। अच्छा, अभी ये पूरे जब तक ब्राउन हो जाएगी तब तक करना है? हाँ, ये पूरी तल जाएगी क्योंकि इसमें कोई और कुछ नहीं पड़ेगा ना, धनिया नहीं पड़ेगी तो ये प्याज ही मसाला होता है। अच्छा, चिकन को पहले से कुछ करके रखना है या नहीं? गैस बंद थी क्या? हाँ। तेल ज्यादा गर्म हो गया था तो बंद कर दी थी। और चिकन को पहले से कुछ करके रखना है? हाँ, चिकन का धुल के हमने अच्छे से गर्म पानी से नमक से धुल के रख दिया है। हाँ। जब प्याज तर जाएगी तो फिर हम ये चिकन डालेंगे, फिर ये सब सारे मसाले। ये तो इजी है। हाँ, अब ये सब ये सारे मसाले हैं, ये पूरे दिखा दो सब ये सारे, ये नारियल, ये चार मगर, ये खसखस, हरी ये मिर्च। चार मगज ही है, खरबूजे के बीज हाँ, है? नहीं चार मगज है, वही उसी को बोलते हैं। और ये हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। अब हमने प्याज डाल दिए, जब तक प्याज हमारी लाल हो रही है, तल रही है, जब तक हम मगरिब की नमाज पढ़ के आ रहे हैं, बीच में सबर देखेंगे इसको। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी, तरबूज के बीज, पिसा हुआ नारियल, खसखस और लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ टमाटर और दही। तो अभी ये प्याज हो गई है अच्छे से। हाँ, अभी इसमें क्या डालेंगे? चिकन। अच्छा, तो अभी ये प्याज जो भुन गई है उसमें चिकन डाल रहे हैं। अभी अदरक लहसुन कितना होगा? ये अदरक लहसुन 100 ग्राम से ज्यादा। अच्छा, 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम लहसुन। हाँ पूरा, क्योंकि अदरक लहसुन से तो अच्छा बनता है। जोर से बोलो। अदरक लहसुन से तो अच्छे ही बनता है ना। हाँ, कष्ट आता है। हाँ हाँ, जिससे मसाला होता है। सही बात है। अब सब डाल दिए खट्टे पूरे। हाँ, और ये लाल, अच्छा ये भी ऐसे डाल दें खड़ी। हाँ, हाँ लाल मिर्च और हरी वाली, हरी बाद में डालेंगे। हाँ, ये खसखस। अच्छा, ये भी ऐसे डाल दिया। हाँ, ये वही चार मगज, चार मगज हरी हरी पिसा हुआ, ठीक है। दही और टमाटर थोड़ी देर से डालेंगे। तो ये तो हम जैसे लोगों के लिए बनाने के लिए बहुत अच्छा है, जल्दी वाला। हाँ, है ना? हाँ, बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, खा के बताएंगे। खा के वैसे तो हम खा चुके हैं, अच्छा ही बनता है, लेकिन आज कैसा बना है वो खा के बताएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। अच्छा, हल्दी क्यों? थोड़ी सी हल्दी से कलर आता है, अच्छा दिखता है। ठीक है, भूख लग रही है। तो वो जो अम्मी ने सारे पहले मसाले डाले थे वो सब डाल के अभी 10 मिनट हो गए हैं, और अभी अम्मी क्या डाल रही हो? अभी टमाटर। अच्छा, पीस के रखे। कितने टमाटर थे? 8 टमाटर थे, 2 किलो में 8। ठीक है, इसको आप काट के भी डाल सकते हैं, और अगर जिनको चाहिए कि मुंह में ना आए तो वो ऐसे पीस के डाल। और अभी इसमें थोड़ी देर में दही डलेगा। कितने देर बाद? 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद। हाँ ठीक। और अभी वो जो सब डाला था उसको डाले हुए 10 मिनट्स हो गए हैं, और अभी मम्मी क्या डाल रही है? दही। दही डाल रही है। तो सब कुछ डल गया है बताओ? हाँ, सब कुछ डल गया है। हाँ, बस अभी थोड़ा सा पक जाए इसमें इसको। हाँ, फिर ये डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च अब डाल दो ना, फिर नहीं, नहीं, फिर वो गल जाएंगे। अच्छा। हाँ, फिर ये हरी मिर्च डालेंगे और पिसा गरम मसाला अपना घर का। हाँ, और हरा धनिया पुदीना डालेंगे ऊपर से, गल जाएगा। तो अभी इसे कितनी देर ऐसे पकने देंगे? थोड़ी देर, 10-20 मिनट। 20 मिनट बहुत नहीं हो गए? नहीं नहीं नहीं, भूनेगा थोड़ा। 10 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक। नहीं सही बताओ आप। 20 मिनट हमारे हिसाब से। हाँ, तो अभी अम्मी ने इसको इधर ढक के रख दिया है, और अभी 20 मिनट कह रही है इसको पकने देंगे। तब तक अम्मी बाहर बैठ के ये तोड़ेंगे, ये धनिया काट लेंगी, तोड़ लेंगी, और मैं तब तक रोटी बना लेती हूँ। हाँ।
तो बाकी सबके लिए जो रोटी रखी हुई है, मैं वो नॉर्मल आटे की रोटी नहीं खाती हूँ, इतने दिन से खा रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं फिर से अपना जो पुराना रूटीन है उसमें जाऊँ, क्योंकि अब तबीयत थोड़ी बेटर हो रही है। तो अभी मुझे लगता है कि मैं अपना जो पुराना मल्टीग्रेन आटा खाती हूँ उसी की रोटी खाऊँ, तो इस आटे में वीट नहीं है। तो मैं अम्मी को भी ये वाली रोटी आज बना के खिला रही हूँ और मैं भी ये बना रही हूँ। ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत जल्दी टूट जाता है, तो मैं अभी इसको आटा गूंथ लूँ फिर रोटी बनाएंगी। आटा थोड़ा ज्यादा हो गया है तो मैं इसे रख देती हूँ, या कोशिश करूंगी कि रोटी बना के रख दूँ, क्योंकि अगर इसका आटा फ्रिज में रख देती ना तो नेक्स्ट डे अच्छी नहीं बनती है रोटी। तो मैं इसको कल दिन में भी इसकी रोटी मतलब आज ही बना लूंगी और कल खा लूंगी। और अभी मैं 6 रोटी बना रही हूँ, 2 अपने लिए और 2 अम्मी के लिए, एक एक्स्ट्रा अगर किसी को ज्यादा भूख लगी। वैसे तो मैं एक ही रोटी खाती थी पहले, ये वाली, लेकिन अभी इतने दिन से इतना ज्यादा अम्मी ने खिलाया कि मेरी भूख बढ़ गई है, तो मुझे हाँ भाई शायद ही वाली रोटी खानी है। नहीं अभी नहीं खाएंगे, अभी वो जब डाइट करते हैं तो वो एकदम पक्की वाली डाइट करते हैं, और जब नहीं करते तो फिर सब कुछ खाते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा वो ये वाली रोटी खाएंगे, और चिकन बना है तो वो नॉर्मल रोटी ही खाएंगे क्योंकि उसी में मज़ा आता है। तो अभी मैं रोटी बनाती हूँ, देखती आपको दिखाती हूँ कितने मुश्किल से बनती है ये रोटी। तो देखिए अब मैं अपनी ये रोटी बनाने लगी हूँ, मैंने तवा चढ़ा दिया, और आप ये देखिए आटा तो बहुत आसानी से गुन जाता है, चिपचिप नहीं होता, लेकिन देखिए कितनी ज़्यादा रोटी टूटती है ये। और अभी तो मुझे इतने साल से बना के इतनी आई है, नहीं तो पहले तो वो भी नहीं होती थी, और इसको बहुत संभाल के उठाना पड़ता है वरना टूट जाती है। तो देखिए ये वाली रोटी को ना आप ज़्यादा पतला नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर पतली हो जाएगी ना तो चिपक जाती है, और वैसे भी खाना है, थोड़ी टूट भी गई तो चलेगा, क्या होता है ना। तो अभी इसको इस तरह से देखो, मैं ये पलटती हूँ, तो ये बहुत देर में बनेगी। और यहाँ पे अम्मी का चिकन बस बन ही रहा है, और अभी इसमें हरी मिर्ची तो डाल दो, तो अभी हरी मिर्ची डालेंगी और धनिया बचा है, पुदीना भी बचा है, बस पिसा गरम मसाला, पिसा गरम मसाला वो लास्ट में डालेगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अम्मी, बहुत मन कर रहा है कि अभी जल्दी से खा लो। ये मत कहना कि सबा ने रोटी जला दी है, मुझे थोड़ी ऐसी ज्यादा सिकी हुई अच्छी लगती। अब आप ये देख लीजिए ये क्या हुआ है, मतलब ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रही है, और अभी आप देखना ये तो नीचे चिपक गई, टूट गई। तो मैंने भी दिमाग का काम कर लिया, चिपका डाला, हर चीज में मांगती है। मुझे बहुत ही ज्यादा हरी मिर्ची पसंद है, और आप लोग प्लीज कमेंट में मुझे ऐसी कोई मिर्ची की डिश हो ना, अगर जैसे मिर्ची इसमें हरी मिर्ची का फ्लेवर आता हो, ऐसा चिकन या पनीर या ऐसी कोई भी सब्जी आप डाल दूंगी। आप ऐसी कोई भी प्लीज मुझे डिश जरूर बताइएगा जो जिसमें हरी मिर्ची का फ्लेवर आता हो, मैं उसे जरूर ट्राई करना चाहूँगी। नमक पहले भी डाला है प्याज तलने में, चिकन में थोड़ा थोड़ा सा मुझे और कम लग रहा है तो थोड़ा सा डाल दूंगा। तो नमक आप अपने हिसाब से स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में जब डाला नमक अपने काम में, कभी भी डाल खाते हो। हाँ थोड़ा सा कहते हैं प्याज तलने के टाइम डाल दो तो प्याज जल्दी तल जाती है, गल जाती है, फिर बीच में डाल दो और कम लगे तो एंड में भी डाल दो। कम डालो, कम कम करके डालो, ज्यादा मत डालो। जब पूरा बन जाए तो एक बार चख लो। में आप क्या डाल रहे हो? अभी बनके तैयार हो गया पूरा, उसमें पिसा अपना गरम मसाला घर का डाल रहा है। कितना चम्मच? मैंने खड़ा डाला था ना सब। हाँ। अब ये पिसा 2 चम्मच। अच्छा, और जितना आपको अच्छा लगे, जितना कम खाते हो ज्यादा खाते हो जैसे वैसे। और अभी बोलो, अब ये हरा धनिया ऊपर से डाल रहा है। अच्छा, ये पुदीना। अच्छा, अब सब कुछ डल गया, बस सब कुछ बाकी नहीं है। अच्छा, पता नहीं सबको समझ आया होगा या नहीं आया होगा, हम लोगों ने वो नहीं बताया कि कितना क्या कैसे डालना है।
अगर जिसको नहीं आया होगा तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको ऐसे क्लियर बता दूंगी, मतलब अम्मी से पूछ के क्वांटिटी कितनी कैसी क्या है। वैसे उम्मीद करते कि समझ आ गया होगा। बस हमने गैस बंद कर दिया, 10 मिनट से खाएंगे। अच्छा। आप लोग भी खाओ हमारे साथ आ जाओ। तो ये चिकन रेडी हो गया है और अभी अम्मी यहाँ पे ये निकाल रही है, ये भेजेंगी ऊपर भाई भाभी और आंटी के लिए, फिर हम लोग यहाँ बैठ के आराम से अपना चिकन खाएंगे। चलो रियान खा के बताओ। बहुत टेस्टी है। अच्छा। इसको चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अगर इसको कोई दिन में 4 बार और पूरे हफ्ते या पूरे महीने भी चिकन खिलाएगा तो ये चिकन ही खाएगा ना। अच्छा बना है। चलो ठीक है, और सबको बोलो कि आप लोग भी ट्राई करिए। आप लोग भी ट्राई करिए। पापा आपको कैसा लग रहा है? अच्छा ठीक है। अम्मी ने बनाया है, अम्मी को तारीफ करो। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। अच्छा सही है अम्मी। रिहान को बहुत अच्छा लगा, पापा को बहुत अच्छा लगा। अभी मैं टेस्ट करती हूँ, मुझे पानी आ रहा है खाने से पहले। वैसे तो अम्मी सब कुछ बहुत अच्छा ही बनाती है, सबकी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, सबको अपनी अम्मी के हाथ पे खाना बहुत अच्छा लगता है और मेरा भी फेवरेट है। लेकिन आज कैसा बना है वो देखते हैं। बहुत अच्छा अम्मी, एकदम पास हो गए अम्मी। मैं ऐसे पास कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन बहुत ही अच्छा बनाया अम्मी ने। थैंक यू सो मच अम्मी। अपने प्लेट की हालत कैसी करती है, इसको चिकन नहीं पसंद है तो ये पूरा प्लेट में से इतने छोटे छोटे पीस भी हटा देती है। चलो तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा, मुझे पता था तुम यही बोलोगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते कि आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मैं अभी बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं एक्टिव रहूँ और वीक में 3-4 व्लॉग्स डालूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप नहीं पकोगे और आपको उम्मीद करते कि रेसिपी समझ आ गई होगी, समझ आ गई होगी। हाँ। ना कुछ कुछ चीज़ें क्वान्टिटी में नहीं बताई हैं, अगर नहीं समझ आए तो मैं इंस्टाग्राम पर भी अम्मी से बता देंगे। वैसे चलिए हम चलते, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।